जो आज मैं वीडियो करने वाली हूँ वो मेरे चैनल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी साड़ी साड़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज मैं वीडियो करने वाली हूँ ये मैंने कब प्लान की थी, आई थिंक ये मैंने दिवाली के आसपास प्लान की थी पिछले साल। और ये जो साड़ी ज़्यादा मैं पहनने वाली हूँ मिंत्रा से, मैंने तभी ही मंगवा ली थी, उतना पुराना ऑर्डर है। बट उसके बाद मैं शूट ही नहीं किया, मैंने काम ही नहीं किया, तो फिर मैंने मेरे को कल या परसों अपनी अलमीरा देख रही तो मुझे ये वहाँ रखी हुई दिखी, तो फिर मेरे को लगा कि मुझे ये करना चाहिए। बिकॉज सारी ऐसे रखी हुई थी, लाइक प्रॉपर खोली भी नहीं है मैंने, वो ऐसे रखी हैं। तो मैंने ना अलग अलग टाइप की साड़ीज़ मंगवाई थी, लाइक प्रिंट वाइज, मटेरियल वाइज, क्वालिटी वाइज, कलर वाइज। तो मैंने थोड़ा सा लाइक वैरायटी देने की कोशिश की थी, तो मैं आज वो देख रही थी तो मुझे याद आया। उसके बाद वो मैंने मंगवाई भी इसलिए थी कि मैं हॉल शूट करूँगी, फिर मैं उनमें रील्स बनाऊँगी। ना मैंने ये हॉल शूट किया, ना मैंने उनमें कभी रील्स बनाई। तो चलो मैं फटाफट ले आती हूँ, बिकॉज वो सारी पहन पहन के दिखाना भी एक टास्क होने वाला है मेरे लिए। हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो ये रही सारी की सारी साड़ियाँ, ये रही। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे साड़ीज़ पहनना बहुत पसंद है, ऐसे मुझे देख के बहुत सुंदर लगती हैं। और बट मैं उनको ना ढंग से कैरी नहीं कर पाती, तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ पहनना। लाइक फंक्शंस वगैरह होते तो उसमें मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं लहंगा चोली पहनूँ, क्योंकि वो मैं अच्छे से कैरी कर लेती हूँ। और साड़ीज़ में मैं उतनी अच्छी लगती भी, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, बाकी मैं आज पहन के दिखाऊँगी तो आप लोग बताना। सो चलो, क्या हुआ, ऑलमोस्ट 12 बज गए और हम 12 बजे ये शूट कर रहे हैं रात को। और आज पता ही नहीं इनके चक्कर में आके, इनको देखो, इनकी बातों में आके मैं जुम्बा क्लास चली गई। और मैं ज़िंदगी का मैंने अपना पहला जुम्बा सेशन किया आज। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी नेक में भी दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। मज़ा आया बट मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। हाँ जाऊँगी। तो जो फर्स्ट वाली है वो है ब्रांड सांगरिया की। सांगरिया से तो मुझे सांगरिया याद आती है, वो जो वाइन वाली ड्रिंक होती है ना, रेड वाइन वाली, इसमें फ्रूट्स वगैरह डले होते हैं, सांगरिया। सो वो है ये येलो फ्लोरल प्योर शिफॉन साड़ी। और ये सिर्फ 611 रुपीज़ की है गाइस, 611 रुपये की मात्र। कपड़ा तो उसका मुझे सही लग रहा है, इतना प्यारा सा प्रिंट है ना इसका। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कितने की मंगवाई थी, बट अभी ये सेल पे 611 की दिखा रहा है, इसका रियल प्राइस 1799 है। ये तो मिंत्रा दिखाता ही ज़्यादा, ऐसा कभी होता नहीं है। बट आप इसको EMI भी करवा सकते हो, मात्र रुपीज़ 29 पर मंथ, है ना, अच्छी डील। तो ये है इसका ब्लाउज़, ये आपको कटवाना पड़ेगा, बट ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत ही गंदा है, इतना गंदा है कि शायद आप इसको एज ए ब्लाउज स्टिच ही ना कराओ, ये बहुत ही गंदा है। बट साड़ी का कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, साड़ी का प्रिंट बहुत प्रिटी सा येलो कलर है, जैसा फ़ोटोज़ में था सेम बिल्कुल वैसा है। सो चलो इसको पहन के देखते हैं, फिर हमें इसके बारे में, तभी मैं इसको पूरा खोलूँगी और तभी मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी। सो अब बुलाते हैं हमारी सारी एक्सपर्ट मासी को। लाइक मुझे साड़ी रैप करनी आती है बट उतने अच्छे से नहीं आती है, सो मेरे को जब भी करवानी होती है मैं उन्हीं से करवाती हूँ। और मैं सारी साड़ीज़ इस शेवियर पर रैप करने वाली हूँ। ये मैंने जिवामे से लिया था, एंड मेरी जिवामे वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से बात की है। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो जाके देखो। तो बुलाते हैं, चलो शुरू करें। सो ये तो काफ़ी घरेलू सी साड़ी लग रही है, बाय घरेलू आई मीन कि आप इसको आराम से घर में भी पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा सा इसका प्रिंट है, ये लाइट वेट, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। प्लस की क्वालिटीज़ के प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। यहाँ पे ऐसे बॉर्डर पे इन लोगों ने कुछ लेस टाइप लगाई हुई है, उससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है। वो सेम लेस लाइक पूरी साड़ी पर वो बॉर्डर इन लोगों ने दिया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस का बहुत ही प्रिटी सा येलो सा समरी सा कलर है, स्प्रिंग समर्स वाला कलर नहीं होता वो है ये। और इसको देख के तो मुझे दो ही गाने याद आ रहे, एक तो टिप टिप वर्षा पानी, दूसरा ठुमका 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 शो मी द ठुमका। सी मैं इसमें डांस भी कर सकती हूँ, सो अगर मैं इसमें डांस कर सकती हूँ तो आप लोग इसको कितना आराम से पहन सकते हो। और बहुत ही आराम से मैं इसमें चल पा रही हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल इसका मटेरियल है। आई थिंक इसकी क्वालिटी जॉर्जेट है, जॉर्जेट थी ना ये, हाँ सो ये दिस इज़ जॉर्जेट, एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो इसमें सिल्वर ग्लिटर चिपकाया हुआ है, सो वो भी बहुत प्रिटी लग रहा है। वैसे कैमरा पे नहीं दिख रहा है बट क्लोजली देखोगे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये बहुत ही प्यारा पीस है, ये मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट है ये, एंड दिस इज़ यूनाइटेड लिबर्टी ब्लू स्ट्रिप्ड ब्रासो साड़ी। एंड ये 809 के, उस हिसाब से मुझे इसका मटेरियल इन सब में अब तक सबसे गंदा लग रहा है। लाइक फ़ोटो में इतना प्रिटी सा प्यारा सा कपड़ा और इतना सुंदर डार्क सा प्रिंट लग रहा है, बट उस उतना फीका इन रियलिटी ये प्रिंट मुझे दिख रहा है। सो आई थिंक ये इसका आपने की थी,
ये मासी की हरकत है। जो साड़ीज मैंने ढूंढी है वो सस्ती भी और सुंदर भी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। सो इसका जो फैब्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सारी फैब्रिक इज ब्रासो। मैं अभी ब्रासो के बारे में पढ़ रही थी, मैंने कभी फैब्रिक सुना नहीं तो मुझे इतना भी समझ भी नहीं आया। इसमें लिखा हुआ है लाइक दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बर्न आउट फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है ये मोस्टली फॉर्मली यूज़ करती है वेमेन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सो अभी मैं इसको आराम से पढ़ूंगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो में बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो इसके साथ ये ब्लाउज़ दिया हुआ है, ब्लाउज़ का कपड़ा भी ठीक ठीक है, ओके है। प्रिंट इसका मुझे अच्छा लगा, बट वही मेरे को फोटोज़ में बहुत ही डार्क लग रहा था, वो इतना डार्क इन रियलिटी लग नहीं रहा है, एंड पूरे में ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है इसमें। तो चलो इसको पहन के देखते हैं। सो इस साड़ी को मासी ने और एक न्यू स्टाइल से पहनाया है, इसे मैंने बीच में बेल्ट लगाई है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो पहन के ये अच्छी लग रही है, मासी कह रही है स्टाइल से मैं सीरियल की विलन लग रही हूँ। कमोलिका तो नहीं लग रही मैं, कमोलिका। इसका बस बॉर्डर नहीं अच्छा लग रहा है, इसका बॉर्डर काफ़ी चीप सा इन लोगों ने बना दिया। अगर वो थोड़ा सा ठीक करते तो ये साड़ी और बेटर हो सकती थी, लाइक इसके प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। ठीक लग रही है, पहनने में भी कंफर्टेबल है, लाइट वेट ही है, इसका भी कुछ हैवी फील ये दे नहीं रही है। आप इसको आराम से कहीं भी पहन के जा सकते हो, कैसे भी इसको आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव समथिंग इन जारी सिल्क ब्लेंड, ये है मस्टर्ड जारी सिल्क ब्लेंड उपद्दा साड़ी, उपद्दा आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। सो इसका कलर बहुत प्रीटी है, ये दो शेड्स में सिर्फ रस्ट गोल्ड एंड मस्टर्ड। सो मैंने मंगवाई थी मस्टर्ड, मैं पहले इसको खोल लेती हूँ। ये सिर्फ 551 रुपीज़ के, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी सो गुड। इतना प्यारा सा चौड़ा सा बॉर्डर है नीचे, और इसका आप कपड़ा छू के देखोगे ना आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है छूने के बाद इसका कपड़ा। इसके साथ इसका ब्लाउज़ कहाँ पर है, मे बी शायद इसी में से कपड़ा काटना होगा फॉर द ब्लाउज, बिकॉज मुझे ऐसे सेपरेट कुछ नहीं दिख रहा है। एंड प्लस यहाँ पे ये इनको लटकन बोलते हैं, हाँ, प्लस यहाँ पे इसमें पल्लू में लटकन्स भी दी हुई हैं, सो वो भी बहुत प्रिटी सी लग रही हैं। चलो इसको पहन के देखते हैं। इसके प्राइस के हिसाब से इसका कलर, इसकी क्वालिटी, इसका लुक इतना प्रिटी है, प्लस ये खुद ही इतने अच्छे से सेट हो रही है, ये मुझे ऊपर से बहुत ही कंफर्टेबल फील दे रही है, मैं इसको बहुत आराम से कैरी कर पा रही हूँ। सो अगर ये मुझे पहले मिली होती तो मैं अपने साउथ इंडियन बर्थडे पे इसको पहन लेती, ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे को लगा था मैं साड़ी कैरी नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने अपने बर्थडे पर लहंगा ऑप्ट किया था। बट ये चलो कोई ना, मिल गई, अब कुछ ना कुछ साउथ इंडियन लुक बनाने में ये मेरी बहुत काम आएगी, या कुछ ना कुछ रील्स बनाने में साउथ इंडियन, तो आजकल लाइक साउथ इंडियन सॉन्ग्स वगैरह इतने ट्रेंड में, सो डेफिनेटली मेरी यूज़ हो जाएगी। इसका पल्लू भी मुझे बहुत सुंदर लगा, आप इसका पल्लू देखो एक बार, ये बहुत प्यारा सा है इसका। नेक्स्ट जो साड़ी है ये भी सांगरिया, आई थिंक सांगरिया इस ब्रांड, सांगरिया ब्रांड की, उसके तो कलर्स बड़े चुम्मेश्वरी से कलर्स हैं, लाइक इतने रंग बिरंगी सी ये साड़ी है, और ये सिर्फ 595 रुपीस की है, ओनली 595। गाइस उसके हिसाब से इतना फ्लोई सा, इतना प्यारा सा इसका कपड़ा है ना, कि आप इसको पहन के वादियों में खो जाओ, अगर आप डांस करने लगोगे किसी 90s के गाने पे, ला ला ला, ला, ला। इसका नाम है कलर ब्लॉक्ड प्योर शिफॉन साड़ी, येलो एंड टर्कोइज ब्लू, बट इसमें और भी कलर्स हैं, लाइक ग्रीन का शेड है, पिंक का शेड है, और जो शिफॉन मटेरियल है, फैब्रिक है, वो मेरा फेवरेट है साड़ी से, मेरे को लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से आपकी फिजिक पे एडजस्ट हो जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है, और बहुत फ्लोई सा रहता है, तो मेरे को शिफॉन बहुत अच्छी लगती है। लाइक ऑर्गेन्जा वगैरह जो मटेरियल है वो तो मैं बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाती हूँ, ये वाला तो मैं फिर भी कैरी कर लेती हूँ। इसमें जो मॉडल ने ब्लाउज पहना हुआ वो टर्कोइज ब्लू कलर का है, बट मुझे इसमें आई थिंक इन्होंने ये विदाउट ब्लाउज ही भेजी है, मे बी आप इस पर किसी भी कलर का अपनी मर्जी से, लाइक इस पर येलो, पिंक, रेड, सारे जिसमें जो जो कलर से सारे कलर के ब्लाउज चलेंगे, सो आप अपने हिसाब से कुछ भी पहन लो। तो चलो हम भी इसको पहले ट्राई करके देखते हैं फिर। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, ये पूरी वही फिल्मी साड़ी लग रही है, बहुत ही सुंदर लगी मुझे इसके प्राइस के हिसाब से। आप इसका लुक देखो एक बार, बहुत ही हैप्पी से, वाइब्रेंट से कलर्स है इसके, ये पहनी हुई बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट लग रही है, और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लाइट वेट है, प्लस इतने प्यारे से कलर्स। सो अगर ऐसी साड़ी हो तो ये तो मैं फिर भी पहन सकती हूँ। सो अगर आप भी कोई बिगिनर हो मेरी तरह, तो आप भी ऐसी साड़ीज ट्राई करना। सो मे बी आपको जल्दी इसमें मेरी रील देखने के लिए मिले, बिकॉज मैं इसको जल्दी कहीं पहन के जाना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद आ रही है, बहुत सुंदर है ये, दिस इज़ रियली प्रिटी। आपने हनीमून पे भी पहन, मासी कह रही है इसको आप अपने हनीमून पे ही पहन सकते हैं, ऐसे बीच वाले एरिया में भाग भाग के ऐसे वाली वीडियोस बनाओ, ला 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 ला, सी मैं इसमें भाग भी सकती हूँ, वाओ। इग्नोर गाइस, इग्नोर। नेक्स्ट इज दिस, और ये तो
पिछले वाली जो मैंने अभी ट्राई की उससे भी सस्ती, ये सिर्फ 587 रुपीज़ की है। एंड उस हिसाब से इतने प्यारे कलर्स मुझे इसके लग रहे हैं, इतना प्रिटी सा रेड एंड ग्रीन का ये कॉम्बिनेशन है। ये मेहंदी ग्रीन है एक्चुअली, और जिस स्टाइल से लाइक मॉडल ने ट्राई की है मुझे वो स्टाइल इतना पसंद आया था इसलिए मैंने उसको मंगवाई। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बहुत सारे कलर्स में है, लाइक 5 कलर्स में है एंड सबके प्राइसेस अलग अलग होंगे। हाँ, इसी का एक बहुत प्यारा सा टील कलर है बट वो 3000 समथिंग, लाइक अराउंड 3000 की दिखा रहा है। सो ये वाला प्राइस इज़ अ गुड डील गाइस, जैसे 587 रुपीज़ की है। यहाँ पे लिखा है ग्रीन रेड गोल्ड टोन्ड एम्बेलिश लेस वर्क सॉलिड सिल्क ब्लेंड फ्यूजन साड़ी। साड़ी का फैब्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्क ब्लेंड ट्रेंड। मैं इसको थोड़ा सा खोल के देखना चाहूँगी, पूरी बंद हो रखी है। थोड़ा सा साउथ इंडियन फील है इस साड़ी का, सो ये कुछ ऐसी है। एंड ये है इसका सेपरेट ब्लाउज। अच्छा, ये ब्लाउज़ का कपड़ा है, ये कपड़ा ही बहुत अच्छा है इसका। आप ब्लाउज से लोगे बहुत ही प्रिटी से कलर का आपको ब्लाउज़ मिलेगा, प्लस भी ना गोल्डन से वर्क हो रखा है, गोल्डन पतले पतले थ्रेड्स डाले हुए हैं, सो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड मटेरियल वाइज भी लाइक इतने कम में मुझे लगा था बहुत चुभने वाला कपड़ा होगा, बट नो, क्वालिटी इसकी अच्छी है, साड़ी की क्वालिटी तो और अच्छी है। सो बिल्कुल बेसिक प्लेन साड़ी है, बस नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर काफ़ी पतला सा है इसका, थोड़ा और चौड़ा तो और अच्छी लगती। चलो कोई ना, सो चलो लेट्स ट्राई दिस। मुझे लगा था पल्लू में कुछ डिज़ाइन होगा, नहीं, बस पल्लू में इतना डिफरेंस है कि उसमें पूरा बॉर्डर लगा हुआ है। तो चलो लेट्स ट्राई दिस। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये। इसका एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इसकी लेंथ बहुत लंबी है एज़ कम्पेयर टू जिससे पहले मैंने साड़ीज़ ट्राई की है। सो प्लीट्स वगैरह बहुत अच्छे से बन रही है, बस इसका मुझे बॉर्डर थोड़ा सा पतला लगा। बॉर्डर थोड़ा और चौड़ा होता है तो वो और प्यारा लगता। कलर इसका बहुत प्रिटी है, इस क्वालिटी में ये बहुत ही अच्छे से खुद ही लाइक सेट हो रही है। सो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, लाइक इस प्राइस में अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो ये मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत पसंद आई। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट जो मैं साड़ी पेश करने वाली हूँ वो है जॉर्जेट मटेरियल में। एंड ये यहाँ पे 1259 की दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी महंगी मैंने ली होगी, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि तब क्या रेट्स थे, बट इसके आसपास ही कुछ रहा होगा। एंड ये भी पूरी लाइक रेडी टू वियर आई है, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, इस पर भी लेस वगैरह लगी हुई है। तो ये मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था, ब्लैक एंड वाइट कलर का। एक मिनट, ये रहा इसका ब्लाउज। गाइस दिस इज़ दी ब्लाउज, प्लेन ब्लैक ब्लाउज का कपड़ा। ओके सा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है, इसको आप स्टिच करा सकते हो। स्टिल लाइक एक दो का तो बहुत ही गंदा आया। यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर जॉर्जेट साड़ी, और लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट प्योर जॉर्जेट प्रिंटेड सेलिब्रिटी साड़ी। सेलिब्रिटी साड़ी मुझे इसमें जो एक चीज़ लग रही है वो ये कि इसमें जो कलर्स दिखा रखे हैं बहुत ही ब्राइट सा सुंदर से ब्लैक, सुंदर सा वाइट, बट असली में कलर्स फीके से है ना, कलर्स बहुत फीके से लग रहे हैं इसके। लाइक इसके प्राइस के हिसाब से मुझे ये उतनी वर्थ इट नहीं लग रही जितनी मैं मुझे ये फ़ोटोज़ में देख के पसंद आ रही थी। चलो बाकी इसको पहन के देखते हैं। गाइस जो चीज़ मैं इसको लेके पहले बोल रही थी कि ये बहुत ही फीका कलर लग रहा है, लाइक इतने प्रिटी कलर्स लग रहे थे मुझे फ़ोटो में, इतना डार्क ब्लैक, इतना डार्क वाइट, ये बहुत ही फीका है। प्लस इसका कपड़ा थोड़ा सा कम है और ये काफ़ी सी थ्रू है, लाइक मैंने अंदर स्किन कलर का शेप वेयर पहना हुआ है वो क्लियरली दिख रहा है। सो ये वाला शेप वेयर इसमें नहीं जाएगा। आई डोंट नो आप कैमरा पर देख पा रहे हो या नहीं, बट मुझे यहाँ से मिरर में दिख रहा है तो आपको कुछ ब्लैक कलर का ही पहनना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही कम्फर्टेबल है पहनने में, इसको बहुत ईजिली आराम से कैरी कर पा रही हूँ। मे बी शायद इसका कपड़ा थोड़ा सा कम है तो ये बहुत ही लाइट वेट फील दे रही है मुझे, बहुत ही फ्लोई सा कपड़ा। आप देखो कितने अच्छे से ये खुद ही एडजस्ट हो गई है। सो ये चीज़ मुझे बहुत इसकी अच्छी लग रही है। दूसरा मुझे इसके थोड़े से घूम प्लेट्स थोड़े से कम बने, थोड़े से और बनते तो ये और बेटर लगती, बट एनीवेज ये मुझे ऐसे भी ठीक लग रही है। डेली वेयर वाली साड़ी मैं इसको बोलूँगी, उतनी कम्फर्टेबल मुझे लग रही है। सो यस, ये वाली साड़ी है एथनिक मोटिव्स साड़ी, और ये वाली इतनी महंगी क्यों दिखा रहा है, ये 2279 रुपीज़ की है। इतनी महंगी, आई डोंट नो मैंने इतनी महंगी ली होगी, मे भी शायद तब पता नहीं, पर इतना भी ऑफ नहीं होगा। इसका जो फैब्रिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पश्मीना टाइप इज बगरू। मैं इसको इसी का मुझे याद है, हाँ इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है, और ब्लाउज़ का मैं फ़ोटो लगा दूंगी बिकॉज़ ब्लाउज़ थोड़ा सा प्रिंट डिफरेंट है, लाइक साड़ी का प्रिंट अलग है, ब्लाउज़ का प्रिंट अलग है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्वालिटी मुझे इसकी तभी पसंद आई थी, मैं इसको तभी तुरंत स्टिचिंग के लिए दे भी आई थी। इसका प्रिंट देखो आप, इसका पल्लू दिखाती हूँ आपको मैं। सो ये रहा इसका पल्लू। बाकी साड़ीज़ में फिर भी थोड़ी आपको काम करवाना होगा, ये पूरी अच्छे से तैयार हो के आई है, लाइक यहाँ पे भी पिको वगैरह हो रखी है। ये पहली साड़ी जो मैंने अभी तक देखी इसमें फॉल भी लगी हुई है, पिको वगैरह भी हो रखा है। सो ये रेडी टू वियर है, आप इसको बस ब्लाउज सिलवाओ एंड पहन लो। चलो
चलो इसको हम ट्राई करते हैं। एक तो इस साड़ी का प्रिंट वैसे थोड़ा सा सुशील टाइप का, मैंने इसको ज़्यादा सुशील तरीके से पहन लिया है। इसको देख के मुझे बिल्कुल वो बहुत पुराने टाइम पे गाने नहीं आते थे जो एक्ट्रेस एक तरह एक ही जगह खड़े होकर गाती रहती थी, वो वाला फील आ रहा है बिल्कुल। इसका प्रिंट भी वैसा था एंड आई थिंक मैंने कुछ वैसे से गाने करने के लिए शायद इसको मंगवाया था। एपी मुझे बोल रहा है कि इसे पहन के मैं जया बच्चन लग रही हूँ। गाइस प्लीज कमेंट से बताना क्या मैं जया बच्चन लग रही हूँ। मासी कह रही है जैसे वो तनिष्क में सेल्स गर्ल नहीं होती, मैं वो लग रही हूँ। गाइस मैं तनिष्क की सेल्स गर्ल लग रही हूँ क्या? मैं जया बच्चन लग रही हूँ क्या? मैं बुढ़ी लग रही हूँ? ये माँ माँ कह रही थी। ओ माँ तो गाइस इसका प्रिंट अच्छा सा, कपड़ा भी अच्छा है पहनने के बाद। आप देखो ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो रही है, कंफर्टेबल भी लग रही है मुझे। मासी की एक और नई टिप्पणी आई है, वो है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या मैं उस सीरियल की कोई विलेन लग रही हूँ? सो ये नो डाउट इस साड़ी का थोड़ा सा फॉर्मल फील है, लाइक इट्स ज़्यादा फॉर्मल लुक दे रही है। लाइक जो मैंने इससे पहले तो साड़ीज पहनी वो काफ़ी फ्लोई सी, ऐसे पहाड़ों में वादियों में खो जाने वाली, बट ये काफ़ी फॉर्मल सुशील। हाँ आपका दर्शकों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैं पहले बहू थी बट अब मैं सास हो गई हूँ। सो अच्छी साड़ी है, कलर्स बहुत प्रिटी है, प्रिंट अच्छा है, कंफर्टेबल है पहनने में। मैं बहुत आराम से इसको पहन पाई, अगर मैं पहन पा रही हूँ तो आप भी इसको आराम से पहन लोगे। सो इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ। सो जो ये साड़ी जो मैंने अभी इससे पहले ट्राई की है उसी ब्रांड की है, सेम लाइक उसी के ऑप्शंस में उसी के अवेलेबल कलर्स में ही आ रहा है। तो दिस इज़ क्रीम कलर ब्राउन पेसली प्रिंटेड पश्मीना सिल्क बगरू साड़ी। बट इसकी और उसकी क्वालिटी है मुझे फ़र्क लग रहा है, ये थोड़ी सी ज़्यादा रफ है, इसका प्राइस भी कम है, ये सिर्फ 843 रुपीज़ की है। सो ये है इसका पल्लू, यहाँ पे बस थोड़े से लाइंस बनाए हुए हैं, ये थोड़ा सा पोर्शन इसका थोड़ा सा डिफरेंट सा किया हुआ है और इसमें फॉल वगैरह भी लग के नहीं आया बिकॉज मे बी इसका प्राइस कम है शायद इसीलिए। इसका ब्लाउज स्टिच हो चुका है। सो ये था इसका ब्लाउज का कपड़ा, ये स्टिच हो चुका है एंड ब्लाउज का कपड़ा इसका बहुत अच्छा था तो इसीलिए वो स्टिच करा लिया गया है। सो चलो मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ। सो गाइज अब रात के बज गए हैं 2, बहुत दिनों बाद इतना लेट नाइट शूट हो रहा है। सो इस साड़ी को मासी ने पहनाया है मराठी स्टाइल से और ये अच्छी लग रही है। इसका ये ओनली साड़ी, इसका ब्लाउज सिला हुआ है तो हम लोगों ने सोचा इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की जाए बिकॉज ये वाला स्टाइल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, लाइक जिन लोगों को प्रैक्टिस आई हो वो तो फटाफट पहन लेते होंगे। सो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारा सा इसका प्रिंट है, लाइक पूरी साड़ी प्रिंटेड है। इसका पल्लू का जो डिफरेंट सा प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है इसका। बट ये इसका कपड़ा थोड़ा सा कंपेरेटिवली खस है, जो मैंने इससे पहले पहनी थी उसका कपड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है बट उतना ज़्यादा ही फ़र्क नहीं, लाइक देख के आप ऐसे डिफरेंस बता नहीं सकते हो। सो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी बहुत प्यारा पीस है, नाइस। और ये है हमारे आज की शाम की लास्ट साड़ी, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ अपनी पब्लिक को जो मेरे साथ बैठी है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले में बेचारी शमशान बैठ के शूट करती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली इतनी इन लोगों के लिए एक लाइव शो चल रहा होता है, ये लोग तो पूरी खुशी से आते हैं कि लाइव हॉल देखेंगे हम। खुशी से नहीं आ रखा है आप आज, ये आज पहली बार आई है, सबसे ज़्यादा यही बोल रही हैं। सो दिस इज़ ओडेट फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड नेट साड़ी, ये नेट की साड़ी और इसमें मैं देख सकती हूँ उसका पल्लू छोटा, मुझे इसको देख के लग भी रहा है कि इसकी ना लेंथ छोटी है, इसका शायद पल्लू छोटा ही होगा। हाँ ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कर्टन का कपड़ा काटा हुआ है गाइस। वो जो बीच में लाइक दो कर्टन के बीच में एक नेट का कर्टन डलता है ना, बिल्कुल वैसा सा इसका प्रिंट वगैरह मुझे लग रहा है। सो ये तो शायद ब्लाउज का कपड़ा है बिकॉज यहाँ से है ना, ये ऐसे है तो इधर से नीचे इन लोगों ने नेट दिया हुआ है, आप इसके अंदर अस्तर खुद लगवाओ, अपना ब्लाउज स्टिच करवा लो। बाकी ये प्लेन नेट की साड़ी है और इसके ऊपर वाइट से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। क्वालिटी वाइज ही बहुत अच्छी है, इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट नेट है, बाकी पहन के पता चलेगा उसमें को ये लग रहा है कि इससे खड़ी खड़ी नहीं रहती, वैसे ना रही अच्छे से सेट हो जाए। तो चलो हम इसको भी पहन के देखते हैं। सो गाइज मैंने जब अमेजोन लहंगा हॉल किया था तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप ऑडिट के लहंगा ट्राई करो, बहुत अच्छे, मुझे किसी ने कमेंट किया। तो ये सारी ऑडिट की मैंने उसी ब्रांड की मंगवाई थी मिंत्रा से, बट मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई इससे। एक तो इसकी लेंथ इतनी छोटी है ना, ढंग से घूम बन पा रहे हैं ना पल्लू, और इसकी लेंथ ऐसे भी छोटी है, मैंने बहुत ही हल्का सा टक कर रखा आप देखो। सो अगर मैं अभी थोड़ा सा भी नीचे से इसको खींचूंगी तो ये यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज मैंने बहुत हल्का सा टक कर रखा है।
इसके नीचे ओनली लाइक प्रॉपर वाइट पेटीकोट ही जाएगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसके प्राइस के हिसाब से ये मुझे ओके ओके सी लगी, उतना मज़ा मुझे इससे पहन के आया, ना ही ढंग से सेट हो रही है, ना ही इतनी इसकी अच्छी लेंथ है, ठीक है, ना ही घूम प्रॉपर है, एक दो ही घूम पन पाए आप, देखो इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली आप लोग को मेरा ये सारी लिशियस हॉल अच्छा लगा हो, ऐसी रंग बिरंगी साड़ीज़ देख के आपको मज़ा आया हो, और आप में से एक दो ने कमेंट भी किया था कि आप लोगों ने मुझे कभी साड़ी में नहीं देखा, तो आप लोगों ने आज मुझे साड़ी में भी देख लिया, और सिर्फ साड़ी में नहीं देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी और अलग अलग तरीके से बंधी हुई साड़ी, लाइक आप लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट सब हर स्टाइल में देख लिया। सो आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आपको सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी, और मेरे ऊपर सबसे अच्छी कौन सी लग रही थी, और मैं आपको साड़ी में कैसी लग रही थी ज़रूर बताना। तो चलो होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, आपका स्वागत है। नहीं वो नहीं लग रही हूँ मैं एयर होस्टेस, एयर इंडिया की एयर होस्टेस। शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे विमान में, अगली बार ज़रूर आइएगा फिर से। बाय बाय। सो ये रही साड़ी की, साड़ी की साड़ीज नहीं, साड़ी की साड़ी क्या कट कर। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो, लाइक मुझे साड़ीज बहुत, क्योंकि मैं लहंगा एंड चोली पहनूं, बिकॉज मैं वो, तुम दोनों पहले बोल लो, खचक खचक खच खच, मुझे अभी कैसे देख रही हूँ